नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश में। वेदर अपडेट में जानेंगे कि आज के मौसम का हाल कैसा देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में ठंड और बारिश का कैसा हाल देखने को मिल सकता है, किस राज्य में कितनी बारिश और कितनी ठंड देखने को मिल सकती है, जानने की कोशिश करेंगे हमारी खास पेशकश के अंदर। दिल्ली NCR में ठंड ने दस्तक दे दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठंड में और इजाफा होगा, लेकिन साथ ही वायु प्रदूषण भी दिल्ली NCR के लोगों को परेशान कर सकता है। शुक्रवार सुबह भी लोगों ने हल्की ठंड का एहसास किया। इसका असर मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों पर भी पड़ा। पार्कों आदि में लोग कम ही नजर आए। खासकर बुजुर्गों ने सुबह की सैर से परहेज किया है। इसके पीछे दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण में हो रहा इजाफा भी है। मौसम विभाग के अनुसार बृहस्पतिवार को हवा की रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटा तक रही। उत्तर पश्चिमी हवा के साथ पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की ठंडक भी दिल्ली पहुंच रही है। इस बीच एक पश्चिमी विक्षोभ के असर से 23 और 24 अक्टूबर को बादल छाए रहेंगे। हल्की से मध्यम स्तर की बारिश भी हो सकती है। रविवार के लिए तो येलो अलर्ट भी बारिश का जारी कर दिया गया है और इससे पहले बृहस्पतिवार सुबह दिल्ली में इस सीजन में पहली बार अच्छी ठंड का एहसास हुआ। पार्क में सैर के लिए जाने वालों को खास तौर पर ठंड एहसास हुई। हालांकि दिन में धूप खिली रही और दिन भर आसमान भी साफ रहा। अधिकतम तापमान सामान्य स्तर पर 32.4 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 31 से 92% रहा। बृहस्पतिवार को चली तेज हवा से दिल्ली में ठंड पड़ गई है। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री तक गिर गया था। हवा चलने पर प्रदूषण में भी आंशिक सुधार आया। एयर इंडेक्स खराब श्रेणी से घटकर मध्यम श्रेणी में आ गया। इससे दिल्ली वासियों को खासी राहत मिली है। हालांकि NCR के शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब ही बनी रही। अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली का एयर इंडेक्स भी फिर से बढ़ने की संभावना है। इसी के चलते बुधवार को दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं की हिस्सेदारी 15% रही थी, लेकिन तेज हवा के कारण थोड़ी राहत मिल गई। सफर का पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिन तक प्रदूषण के स्तर में इजाफा होने के आसार हैं। तो ये था आज के मौसम का हाल और आने वाला मौसम कैसा देखने को मिल सकता है, बारिश कितनी देखने को मिल सकती है और ठंड में कैसा हाल देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों के अंदर। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।